Welcome to Study Room Learn Note. For authentic study contents, please like, share, and subscribe. So hello dear friends, आज हम एक नया book review लेके आए हैं, वो है class 12 का mathematics की book, जिसका हम आज review देखने जा रहे हैं और आपको इसका डिटेलिंग पूरा कुछ ही मिनट्स के अंदर बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट वन पार्ट टू हमारे पास है। अब तक हम सिर्फ एक किताब से अपनी मैथ की किताब ख़त्म करने वाले थे, अपनी मैथ का सिलेबस ख़त्म करते थे, बट अब जो मैथ है वो डबल हो गया है, यानी डबल प्रेशर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है रिव्यू में। चलिए देखते हैं, इसका डिज़ाइनिंग देख लीजिए, कुछ इस टाइप का है, आपको डिज़ाइनिंग मिलेगी इस टाइप का, और यहाँ पर देख लीजिए इसका फ्रंट डिज़ाइनिंग और इसका बैक डिज़ाइनिंग आपको दिखा देता हूँ। ये बैक की डिज़ाइनिंग है कुछ इस तरह की, रिलेशन फंक्शंस कैलकुलस आपका सर हिलाने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक ना, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और इसमें एक ही सोल्यूशन होता है मैथ में जीनियस होने का, प्रैक्टिस। इसका देख लीजिए सिंपल सा डिज़ाइनिंग फ्रंट पेज का है यहाँ का, जैसे आप ओपन करोगे और यहाँ पे क्यूआर कोड को कैसे स्कैन करके आप लोग ई बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हो, वो भी यहाँ पे देख के रखा हुआ है। और फिर इसकी प्राइसिंग की बात कर लें जो हमसे मेन होता है, तो 130 रुपीज़ की है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। आपके पिज्जा से तो काफ़ी अफोर्डेबल है कि नहीं, 400-500 का पिज्जा खा लेते हो तो 130 की मैसी बुक खरीद लोगे, है कि नहीं। अब चलिए कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, जो कि हमसे हमारे मतलब कि जो कि एक स्टूडेंट से मेन इंपॉर्टेंट था, उनके कॉन्टेक्ट से ये सब क्या करेंगे देख के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाती है, जो कि आप सोशल में पढ़ चुके हो। चलिए मेन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या बकवास कर रहा हूँ कि नहीं। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, ये ज़रूरी होता है थोड़ा सा हमको अपने समाज के प्रति मतलब कि एक अच्छा पर्सन बन के आना चाहिए कि नहीं, तो सही हमारे जो कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य को निर्वाहन करना पड़ता है, तो उस कर्तव्य को निर्वाहन करते हुए चलिए हमारा एक कर्तव्य होता है जो कि स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, और जो कि हम निर्वाहन नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स लात घूंसे खाते हैं। तो कंटेंट में देख लेते हैं, पार्ट वन है, तो पार्ट वन में आपका देखते हैं रिलेशन फंक्शंस है, कंटेंट्स देख के रखे हुए हैं, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, चार चैप्टर आपके बहुत ही ईजी जाने वाले हैं अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हो, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं बगल में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो पार्ट वन में आपके सर हिलाने वाले चैप्टर्स जो हैं ये फिफ्थ और सिक्स वाले हैं, अगर इसमें आपने हल्की सी भी चूक की तो आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ये जीनियस हैं एक, है कि नहीं। अब इसका बैक कवर तो देख ही चुके हो, बैक में कैसे लगता है, और आपका जैसे कि पीछे से छापने में तो बहुत कॉपी करने में तेज़ होते हैं, हम भी तेज़ थे, आप भी तेज़ हो गए, तो देख लो यहाँ पे एक्सरसाइजेस के सारे सॉल्यूशंस देके रखे हुए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं ले रही है कि नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक्सरसाइजेस करो और पीछे से मिला लो कि भाई सही है या रॉन्ग, है कि नहीं। तो तुम्हारी पार्ट वन की बात हो गई, अब चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी पार्ट टू के बारे में, ठीक। इसमें कॉन्टेक्ट क्या है, और इसका फ्रंट पेज सेम एज द पार्ट वन, और यहाँ पे वही क्यूआर कोड स्कैन करने का तरीका, और यहाँ पे हमारा मेन चीज 150 रुपीज़ इसका दाम है भाई, उसका 130 था, इसका 150 है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट थिक देन द पार्ट वन, ओके, थोड़ी सी थिक है पार्ट वन के कंपेरिजन में। पार्ट वन देखिए तो थोड़ा सा पतला है, मतलब कि कम थिक है, और इस ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है, दैट इज़ द रीज़न ओनली। और फिर अब देख लेते हैं कि इसके कंटेंट क्या है, इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ जाएगा, कैलकुलस का उसमें डेरिवेटिव्स देख रखा होता है, यहाँ पे आपको इंटीग्रल्स मिलेगा, तो देख लेते हैं वही चीज़। यहाँ पे देखिए पार्ट वन के सारे चैप्टर्स देख रखे हुए हैं, और यहाँ पे देख लीजिए आपका इंटीग्रल्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, फिर 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी अब तक के आप लोगों को बहुत ईजी लगती थी, पता है कि प्रोबेबिलिटी अब हार्ड हो जाएगी, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपने पढ़ते हुए आए हो, बट यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाली हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसमें मस्ती नहीं करने वाला है, ठीक ना, मस्ती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और देख लीजिए ये महाशय जी, ये भी जीनियस हैं, काश हम भी इस तरह होते हैं। तो अब चलिए अब देख लेते हैं इसका पीछे, यहाँ पे देख के रखा हुआ है हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस, ठीक ना। तो जीनियस तो नहीं सकते हम उन लोगों के जैसे साइंटिस्ट की तरह, बट हाँ उनके बनाए हुए रूल्स फॉर्मूलेस को हम एक बारी में समझ के उनसे ज़्यादा तेज हो सकते हैं, वो मैथ में तेज होंगे तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री सब में तेज हैं, है कि नहीं। तो देख लीजिए NCERT यहाँ पर जैसे हर बुक में लिखा रहता है, वहाँ पे NCERT लिखा हुआ है, और हर बुक का कोड होता है, और यहाँ पे कोड आपको मिल सकता है कि नहीं फ्रेंड्स। इसका बैक कवर देख लीजिए, बैक कवर शायद दिखाना आपको भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो
हमने 5 मिनट के अंदर हर एक चीज़ प्राइसिंग डिटेल्स में आपको बता दिया, कंटेंट्स बता दिए, सब कुछ बता दीजिए इस बुक के बारे में। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले रिव्यू में। थैंक यू, जय हिंद।